वन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और आज हम लोग करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं। करंट अफेयर का जो सेशन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी मेरी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एसएससी के जितने भी पेपर हैं और उसके साथ साथ सीटेट और यूपी टेट के भी पेपर स्टार्ट होने वाले, उनके लिए भी आप मेरी इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी मेरी करंट अफेयर आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपने 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप लोग उसका आंसर करिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत और यूएसए के मध्य कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। तो भारत और यूएसए के जो मध्य, आपको पता है बहुत ही फेमस एक्सरसाइज होती है और वो हर साल होती है और उसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास है। क्या है? युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। युद्ध अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एवरी ईयर होती है, ठीक है ना, हर साल होती है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, ये युद्ध अभ्यास जो पिछली बार हुई थी वो कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। इस बार कहाँ होने वाली है? इस बार यूएसए में होने वाली है। कहाँ होने वाली है? यूएसए में होने वाली है। और यूएसए में बात करें कहाँ पे होने वाली है तो वॉशिंगटन डीसी में होने वाली है। कहाँ पे? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, जो इसकी बेसिकली यूएसए की राजधानी भी है, वॉशिंगटन डीसी में होने वाली है। अच्छा, कुछ लोग डीसी नहीं समझते होंगे, डीसी क्या चीज़ है? तो डीसी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, डीसी क्या मतलब होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए भारत यूएसए के साथ और कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, तो हाँ, भारत जो है यूएसए के साथ और भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। जैसे मैं अगर बताना चाहूँ तो मालाबार एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है मालाबार, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत फेमस एक्सरसाइज है। ठीक है ना, मालाबार एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है? भारत, यूएसए और जापान, तीन कंट्रीज भाग लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पिछली बार एक और एक्सरसाइज हुई थी कोप के नाम से, कोप इंडिया। ठीक है, तो कोप इंडिया के नाम से हुई थी, कोप इंडिया, ठीक है, कोप इंडिया के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। ये किन देशों के बीच में हुई थी? ये भारत और यूएसए, अमेरिका के मध्य हुई थी सिर्फ। ठीक है, लेकिन मालाबार किसके किसके बीच में होती है ध्यान रखिएगा, मालाबार यूएसए, भारत और जापान के बीच में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है, भारत दक्षिण पूर्व एशिया की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितने रुपए का योगदान दे रहा है। तो भारत जो है वो दक्षिण पूर्व जो एशिया के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनके लिए बेसिकली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुछ योगदान दे रहा है। कितना योगदान दे रहा है? वो है $200,000 का। कितना? $200,000 का दे रहा है बेसिकली। ठीक है, $200,000 का बेसिकली जो सहायता राशि है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टर्म आता है, मैं लिख देता हूं, SEARHFEEF, ठीक है, ये है, ये टर्म आ सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में इतना ना बोल करके इसका शॉर्ट फॉर्म बोल देता है, अगर बोलता है कि भारत अभी हाल ही में किस संगठन को, मान लीजिए इस संगठन का नाम देता है, इस संगठन को $200,000 दे रहा है, इसकी सहायता राशि दे रहा है, और इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म है इसका साउथ ईस्ट, ऐसे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हेल्थ, हेल्थ इमरजेंसी रिस्पांस फंड, इमरजेंसी, इमरजेंसी रिस्पांस फंड, ऊपर लिख देता हूं मैं, रिस्पांस फंड। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पूरा नाम बोला था, भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया, दो दक्षिण पूर्व एशिया की जो हेल्थ सर्विसेज है, इसका पूरा नाम इस तरह से लिख सकता है कि जो है साउथ ईस्ट एशिया हेल्थ इमरजेंसी फंड के लिए $200,000 का बेसिकली क्या दे रहा है, अपनी सहायता राशि दे रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि जो है, देखिए बहुत सारे जो देश है ना जिसमें हेल्थ जो सुविधाएं बहुत बेसिकली बेसिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की बात ले लूँ, अफ्रीका महाद्वीप की बात ले लूँ, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पे बेसिक जो हेल्थ सुविधाएं वो तक प्रोवाइड नहीं, अभी भी कोई अगर बीमारी आ जाती है तो महामारी के रूप में पूरा का पूरा देश घिर जाता है। ठीक है, तो
हमको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जो WHO की 72वीं मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि जो है कौन कौन से देश इसमें कितना कितना जो अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है भारत सरकार 9300 करोड़ रुपए किस बैंक को देने वाली है। तो 9300 करोड़ रुपए देने वाली है भारत किस बैंक को देने वाली है, IDBI बैंक को। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा IDBI बैंक को देने वाली है बेसिकली। ठीक है, अच्छा IDBI बैंक को देगी वो किस लिए देगी। देखिए, इस बैंक की जो हालत है ना वो बेसिकली खराब होती जा रही है धीरे धीरे, तो इनकी बैंकिंग की जो हालत है उनको सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपना कुछ फंड देती है। ठीक है ना, तो इस समय 9300 करोड़ रुपए, आपको ध्यान रखना है 9300 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। ठीक है ना, इतना रुपए IDBI बैंक को देगी। ठीक है, IDBI बैंक से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। आपसे इतना पूछ सकता है कि IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपसे इतना क्वेश्चन पूछ सकता है कि IDBI जो संस्था है वो कब बनी थी। तो IDBI अगर बात करें तो 1964 में। ठीक है, ये 1964 में ये बनी थी बेसिकली। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष की बात करते हैं या MD & CEO की बात करते हैं, माफ कीजिएगा MD & CEO लिख देता हूं मैं। MD & CEO कौन है, राकेश शर्मा है। ठीक है, राकेश शर्मा जी हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, इसकी टैगलाइन आपसे पूछ सकता है। ये एक ऐसा बैंक है जिसकी तीन तीन टैगलाइनें हैं। तो तीन तीन टैगलाइन है, मैं आपको टैगलाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी टैगलाइन लिखिएगा, पहली टैगलाइन है इसकी, टैगलाइन लिख लीजिएगा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ठीक है, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। अगली टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, अगली टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, बैंकिंग फॉर ऑल। ठीक है, और एक और टैगलाइन है इसकी, आओ सोचे बड़ा, आओ सोचे बड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके तीन टैगलाइन है, ये आपको बेसिकली इतनी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कवर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक सब कवर कराने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मेरे सेशन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथी साउथ एशिया स्पीकर समिट कहाँ पर हो रही है। तो दक्षिण, अगर एशियाई की बात करें, दक्षिण एशियाई जो समिट हो रही है चौथे नंबर की, वो कहाँ हो रही है, मालदीव में हो रही है। कहाँ हो रही है, मालदीव में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मालदीव में बेसिकली हो रही है। कितने नंबर की, चौथे नंबर की हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मालदीव से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो सबमिट हो रही है वो कौन कंडक्ट करा रहा है। तो इसकी जो संसद है, जो इसकी पार्लियामेंट है, मजलिश, ठीक है, मजलिश जो है, और IPU, ठीक है, ये दोनों मिलकर के कंडक्ट करा रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, IPU का मतलब होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मजलिश क्या है, मजलिश जो है वो बेसिकली मालदीव की संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मालदीव के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। मालदीव की राजधानी वगैरह पूछ सकते हैं, तो मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है, मालदीव की जो राजधानी है माले है। क्या है, माले। ठीक है, माले इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं, MALE। कुछ लोग इसे मेल पढ़ते हैं, मेल नहीं है, माले है। ठीक है, अगर इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा है, मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। क्या है, मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया है। ठीक है, और इसके राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति की बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है अमेरिका ने आशियान देशों के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। तो अमेरिका ने जो आशियान देश है, ठीक ना, आशियान देशों का समूह होता है, आपको पता होगा 10 देशों का, उनके साथ में एक एक्सरसाइज चालू करी है, उसका नाम है AUMX। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है।
मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? AUMX। अभी AUMX का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब है एशियन, ये यू से हो जाएगा यूएसए, मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम ये है, एशियन यूएसए मैरीटाइम और आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो एशियन कितने कंट्रीज होते हैं? 10 कंट्रीज होते हैं। 10 देशों का जो समूह है वो आशियान देशों में आता है। ठीक है, आशियान देशों में आता है। ठीक, अगर बात करें भारत क्या आशियान देशों का मेंबर है? नहीं, भारत आशियान देशों का मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आशियान का जो मुख्यालय है, बेसिकली मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पे है इसका? आशियान का जो मुख्यालय है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आशियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? जकार्ता में है। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये संस्था बनी कब थी? जो आशियान बनी थी वो कब बनी थी? 1967 में। कब बनी थी? 1967 में ये संस्था बनी थी। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल रहा होगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही होगी। अगर जानकारी मिल रही तो आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हो रही है? ये बेसिकली एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे हो रही है, क्वेश्चन ये बन सकता है। ये हो रही है आपकी थाईलैंड में हो रही है। ठीक है, लेकिन खत्म कहाँ होगी? ऐसा कभी नहीं होता कि एक्सरसाइज कहीं और से चालू हो रही है, किसी और देश से चालू हो रही है, खत्म कहीं और हो रही है, पर इसमें ऐसा हो रहा है। कहाँ से चालू हो रही? थाईलैंड से चालू हो रही है। और खत्म कहाँ पे हो रही है? खत्म हो रही है आपकी सिंगापुर में। कहाँ पे हो रही है? सिंगापुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन से और भी कई क्वेश्चंस निकल रहे होंगे। एक हम लोग एक क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है प्रो पुअर टूरिज्म, जैसे PPT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $57 मिलियन का ऋण विश्व बैंक ने किसे दिया है? तो विश्व बैंक ने $57 मिलियन का ऋण दिया है और वो यूपी को दिया है, उत्तर प्रदेश को दिया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, यूपी को दिया है बेसिकली टूरिज्म के लिए। ठीक है ना, उसके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए $57 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है, अगर यूपी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो यूपी के सीएम कौन है आपको पता है? योगी आदित्यनाथ, तो आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, इसके बाद गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं। इसकी कौन है? गवर्नर है। ठीक है, अगर बात करें राजधानी क्या है, राजधानी आप सभी को पता होगा लखनऊ है। ठीक है ना, अगर हम यूपी की थोड़ी सी और बात करने वाले हैं, ठीक है ना, यूपी की अपना चिन्ह क्या है, यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह आपको पता होगा, एक आपको पता होगा कि इस तरह से गोला होता है और इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ पे दो मछली बनी होती है, इस तरह से मछली बनी होती है, एक मछली इस तरह से बनी होती है। ठीक है ना, मैं मछली की आँख बना देता हूँ, इसका मुंह बना देता हूँ। ठीक है ना, ये मछली दिख रही होगी आपको, ये इसका बेसिकली राजकीय चिन्ह है। आपसे चिन्ह वहाँ पे अंकित होगा, आपको बताना होगा कैसा चिन्ह होता है। ठीक है, अगर बात करें राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु, इसकी पशु की बात हो रही है, तो पशु बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा इसका क्या है? राजकीय पशु है। अच्छा पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी क्या है? पक्षी है इसका आपको बता दो, सारस है। ठीक है, सारस या क्रॉन्च एक ही बात है, क्रॉन्च भी उसे कहते हैं कुछ लोग, या सारस कहते हैं। ठीक है, अगर पशु क्या हो गया, बारह पक्षी हो गया। अच्छा इसके क्या कहते हैं, बात करते हैं इसके वृक्ष की, राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, तो वृक्ष क्या है? वृक्ष है अशोक। ठीक है, वृक्ष क्या है? अशोक है। अच्छा यहाँ पर भाषा कौन सी, राजकीय भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकीय भाषा पूछ सकता है, तो भाषा दो है बच्चे। ठीक है ना, एक तो हिंदी है और एक है आपकी उर्दू। ठीक है, दोनों की दोनों राजकीय भाषाएं हैं। कभी क्वेश्चन में इतना आ सकता है केवल हिंदी है, केवल उर्दू है, हिंदी और उर्दू दोनों हैं, या किनमें से कोई नहीं है, तो हिंदी और उर्दू दोनों हैं इसकी राजकीय भाषाएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प है पलाश, पुष्प क्या है? पलाश है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन पे। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा।
सेवेंथ क्वेश्चन कहता है समुद्री या समुद्रयान मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा या किया जाएगा बेसिकली। तो समुद्रयान जो मिशन है, अभी आपने गगनयान मिशन सुना होगा। अभी समुद्रयान मिशन क्या है, बेसिकली समुद्रों के अंदर बहुत सारे रत्न पत्थर या फिर क्या कहते हैं उसके पेट्रोलियम वगैरह के पदार्थ पाए जाते हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए भारत ये जो मिशन है लॉन्च कर रहा है, ठीक है ना। तो भारत, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है NIOT जो बेसिकली इसको अंजाम देगी, NIOT है जो इस मिशन को अंजाम देगी, ठीक है ना, जो उसमें रत्न है या फिर कुछ भी पेट्रोलियम पदार्थ उनको खोजने में मदद करेगी। NIOT का फुल फॉर्म कभी पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई इसमें खास बात नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आठवां क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो कैंपबेल बे जो नेशनल पार्क है, ठीक है ना, वो आपका स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन यहां पे एक आ सकता है, यूपीएससी का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट कमांडेंट का, तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था और वन लाइनर में ही आया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कैसा द्वीप है, तो ऑप्शन तो इसमें लावा द्वीप था, मूंगा द्वीप था, ठीक है ना। तो ये लावा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, लावा द्वीप, मतलब लावा द्वीप का मतलब समझिए क्या होता है, ज्वालामुखी के लावे से जो बेसिकली जो अपना आइलैंड बना होता है उसे कहते हैं लावा द्वीप, ठीक है। अगर बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, एक हो गया आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, वो है मूंगा द्वीप है, कैसा द्वीप है, मूंगा। अब मूंगा क्या होता है, मूंगा द्वीप है, मूंगा द्वीप का मतलब था कोरल लीफ से बना हुआ, कोरल लीफ से बना हुआ है। कोरल लीफ का मतलब होता है जो समुद्री शैवाल होते हैं, ठीक है ना, उनसे बना हुआ है, कोरल लीफ से बना हुआ ये बेसिकली है मूंगा द्वीप है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप से की राजधानी पूछ सकता है, ठीक है, राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बताइए आप लोग, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, क्या है, कवारत्ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतनी छोटी सी बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अभी हाल ही में किस द्वीप के तीन जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है पूरा, ठीक है, तो इसमें से तीन आइलैंड का नाम बदला गया है, कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तीन छोटे छोटे आइलैंड का नाम बेसिकली बदला गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाइन क्वेश्चन भी चलते हैं, नाइन क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा। नाइन क्वेश्चन कहता है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट जो है वो पुलेला गोपीचंद के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, पुलेला गोपीचंद, ठीक है। बस मेरा कराने का इतना सा मकसद था कि जो है इस समय बेसिकली क्या है ना, इनका बहुत ज़्यादा नाम चर्चा में है, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले क्या था यार, एक्चुअली में बहुत सारे के कोच रह चुके हैं, आपको बता दूं मैं, PV सिंधु के कोच रह चुके हैं, साइना नेहवाल के कोच हैं, ठीक है ना, PV सिंधु के अभी प्रेजेंट टाइम में भी कोच हैं, तो इनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है ना, और इनके ऊपर क्वेश्चन बनना एक लाजमी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका हम लोग आंसर करते हैं। क्वेश्चन है विधि का शासन जो है वो किस देश से लिया गया है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो जो विधि का शासन है बेसिकली वो इंग्लैंड से लिया गया है, किससे लिया गया है, इंग्लैंड देश से लिया गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपका आ चुका है, ये अभी हाल ही में जो SSC का पेपर हुआ है उसमें आ चुका है, ठीक है ना, तो मैंने वहां से ही क्वेश्चन लिया है। और भी बहुत सारी चीजें जो इंग्लैंड से ली गई हैं, जो हमारे संविधान में जो इंग्लैंड से बहुत सारी चीजें ली गई वो देखिएगा। एक तो है पहला मेजोरिटी बेस्ड इलेक्शन, क्या है, मेजोरिटी बेस्ड इलेक्शन, मतलब जब भी इलेक्शन होगा और इलेक्शन में विनर कैसे तय किया जाएगा, मेजोरिटी के आधार पर, ठीक है, मेजोरिटी के आधार पर तय किया जाएगा। दूसरा है द्विसदनीय विधानसभा, ठीक है, तीसरा है कानून का राज,
कानून का राज होगा, कानून का राज होगा, ठीक है। और चौथा आपको पता है विधि का शासन, ठीक है। ये चारों चीजें कहां से ली गई हैं, हमने इंग्लैंड से ली हैं, बेसिकली हमने संविधान में, हमारा जो लिखित संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है ना। मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को उसमें काफी कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आप लोग अगला जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देख सकते हैं और उसका आंसर करिएगा, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।